करे शुरू। टॉपिक तो कौन सा चल रहा है? वॉइस का चल रहा है ना। वॉइस कितना हो गया लास्ट? क्या किया? प्रेजेंट टेंस में चेंज कर रहे हैं, यानी कि अपनों ने सीखा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस को चेंज करना और डू नॉट और डज नॉट को, है ना। ये तो हो गए। किस में चेंज हुए थे? एस एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हुए। ठीक है, आज सीखते हैं एस एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। बताओ इरफान, किसका फॉर्मूला ये? प्रेजेंट है? अच्छा, आप बताओ। एक्टिव वॉइस में अगर इज़ एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है, किसका फॉर्मूला ये? वेरी गुड। शर्मा जी नहीं पता है? हाँ अपने बोलो, किसका फॉर्मूला है? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का। अरे कॉन्टीन्यूअस को लगातार बोलते हैं, कोई काम हो रहा है जब भी कॉन्टीन्यूअस आएगा तो आईएनजी आएगा, आईएनजी आएगा तो कॉन्टीन्यूअस आएगा। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें जब आईएनजी आता है ना, तो वो मैंने पहले लिखवाए थे, आईएनजी वाले सेंटेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनेंगे? बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल है। इज एम आर वापस उतार देनी है, इज एम आर प्लस वर्ब की, सॉरी बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, पर फॉर्मूला यही होगा। उतारिए फिर मैं वाक्य करवाता हूँ आपको इसी पर बने हुए। They are reading a story book. Okay? Subject बड़ा स्पष्ट दिखाई दे रहा है, object भी बड़ा स्पष्ट है। क्या subject है? Book? Story? A story से उठा लेंगे पूरा इसको। ठीक है, अब A छोटा नहीं लिखेंगे, A क्या लिखेंगे? बड़ा, capital में आएगा। A story book. A book. Book singular या plural? बुक एक वचन है या बहुवचन है? अरे एक वचन तो ऐसे लगा हुआ है, बोल क्यों नहीं रहे तुम लोग? एक वचन है, आर नहीं आएगा, क्या आएगा? इज आ जाएगा। इसके बाद क्या लगाई? बिंग लगा दो, और बिंग के बाद थर्ड फॉर्म लगानी है। किसकी लगाओगे इरफान बताएगा? क्या होती है रीड की थर्ड फॉर्म? रीडिंग, रीडर्ड, रीड्स, रेड, आर ई डी, तो क्या होती है? वीडियो वाले देखेंगे तो हंसेंगे। ठीक है ना, बात ये है, रीड ही करो। क्या होती है? रीड। तो बन जाएगा स्टोरी बुक इज रीड बाय किन के द्वारा? दे तो सब्जेक्ट होता है, अपने को चाहिए ऑब्जेक्ट। तो दे का सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? दैम होता है, तो दैम लगाइए, बस उतार लीजिए। बग्गू वाले खोल गए, उससे अपने जाते हैं ना लक्ष्मी भाई चौक,
तो जैसे ही भगवाले कुएं से निकल के तो राइट साइड में एक पतली सी गली है, भगवाले कुएं से निकलते ही आया समझ में। जिम है ना यहाँ पे, कौन सी जिम है ये? थ्रस्टी, थ्रस्टी बीस्ट जिम देखी क्या? हाँ, जस्ट उसके पास में है सत्यम अकेडमी, सत्यम स्टेनो क्लासेस। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, वहाँ नहीं। लिखिए एक वाक्य और, मनाओ फटाफट। ठीक है, सेंटेंस है आपके लिए, हरी एंड मोहन आर प्लेइंग क्रिकेट विद देयर फ्रेंड्स। ठीक है, कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बना दो इसको। जिसा भी आता है, जितना भी आता है उतना करेंगे। फॉर्मूला बता दिया है कि अगर एक्टिव वॉइस के अंदर, एक्टिव वॉइस के अंदर इज एम आर है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी है, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, उसका वॉइस बनेगा सेम एज इट इज वर्ब यूज होगी इज एम आर प्लस बींग लगा देंगे और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लेंगे। ओके, तो कोशिश करेंगे बदलने की, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बाकी ये सेटिंग बिठाएंगे बीच में जो है। अब इसमें आप देखिए कौन किसको उठाते हो पहले, विद देयर फ्रेंड्स को उठाते हो या क्रिकेट को उठाते हो या विद को अकेले को उठाते हो या फ्रेंड अकेले को उठाते हो। ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, सब पे काम करना। बना दिया? हाँ, बनाया? वेरी गुड शर्मा जी, बना। शुरुआत कहाँ से की है इतना बता दो बस। क्रिकेट से की है, ठीक है, आपने गलत बनाया है। कहाँ से शुरुआत की है? क्रिकेट से की है तो सही है, आपने क्रिकेट से करनी थी। ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट तो एक ही है इसमें, यही है बस, इसी को लेकर देखो। क्रिकेट खेला जाएगा किसी के द्वारा, बना के देखो इसको बना के देखो, ये देयर फ्रेंड को पहले लगा के देखो क्या बन जाएगा, क्या देयर फ्रेंड इज बींग है ना, ऐसा कुछ नहीं बनेगा। क्रिकेट को उठाएंगे, क्या खेला जा रहा है? क्रिकेट खेला जा रहा है तो क्रिकेट को उठाइए। गेम के नाम हमेशा कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं, ठीक है ना, गेम के नाम हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो आर ना लगा क्या लगाएं? इज लगा दें, फिर क्या लगाएं? बींग लगाइए। थर्ड फॉर्म लगानी है, किसकी लगाएं थर्ड फॉर्म? थर्ड फॉर्म किसकी लगाएं? प्ले की लगानी है, प्लेइंग नहीं है, प्ले की थर्ड फॉर्म आएगी प्लेड। अब क्या करें? बाय हरी एंड मोहन, या पहले ये लिखें कि क्रिकेट इज बीइंग प्लेड विद देयर फ्रेंड। इसको हटा देंगे, इसको पूरे को या तो वहीं रख दो जहां पर ये लगा हुआ है, ठीक है, या फिर हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाय हरी एंड मोहन, हरि एंड मोहन को ये लिख सकते हैं क्या? देम नहीं लिख सकते ना, क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि वो
नाउन है और ये क्या है, प्रोनाउन है. प्रोनाउन प्रोनाउन में चेंज होता है, नाउन में नहीं करेंगे. ओके ठीक है, तो बस बन गया, इतना ही बनाना था कि क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हरी एंड मोहन विद देयर फ्रेंड. आगे लिख दो, क्या दिक्कत है? कहाँ पे? क्रिकेट विद देयर फ्रेंड्स, ऐसे? ना ना ना, ये तो सरासर ना इंसाफी हो जाएगी. हैं, बस इसको जहां पर है वहीं पर पड़ा रहने दो, लास्ट में लगा दो. ठीक है, लगाना ही आपको जरूरी है कि बस मुझे तो लगाना ही लगाना है, तो फिर लगाइए. यहाँ पर क्या दिक्कत है? विद डियर फ्रेंड, यहाँ लगा दो, बस शुरुआत इसी से करेंगे. ऑब्जेक्ट नहीं है, कौन सा? अरे ऑब्जेक्ट नहीं, ये एंटीसीडेंट बनता है वैसे तो. ठीक है, बताएंगे आगे चलकर एंटीसीडेंट क्या होते हैं. ठीक है, प्रेपोजिशनल एडजेक्टिव भी बनता है, विद प्रेपोजिशन होता है ना, तो ये वो भी बनता है. समझ में आया कुछ? yes, किसके पैसे वॉइस बनाई अपनों ने? कौन से पार्ट के पैसे वॉइस बने थे? अभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के पैसे वॉइस बने हैं. ठीक है, चलिए अभी आगे चलते हैं और करते हैं अपने वर्ब की सेकंड फॉर्म वाले. अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म से क्या समझते हो? पास्ट सिंपल समझते हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब है पास्ट सिंपल. अगर इसी पास्ट सिंपल को मुझे बनाना हो नेगेटिव, तो मैं कैसे बनाऊंगा? क्या लगा देंगे? डिड लगा देंगे, और डिड के साथ क्या लगा देंगे? नोट लगा देंगे, और वर्ब कौन सी लगाएंगे? फर्स्ट लगाएंगे. इसी पास्ट सिंपल को इंटरोगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? डिड को पहले ले आएंगे, कुछ नहीं करना, डिड को पहले ले आएंगे, फिर क्या लगा देंगे? सब्जेक्ट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बना देंगे. ठीक है, इन सभी का पैसिव वॉइस बनेगा. आप क्या बनेगा? पैसिव वॉइस बनेगा. किससे बनेगा? वोज एंड वर्ब से बनेगा. वोज और वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से. ओके, कि अगर किसी सेंटेंस में पास्ट सिंपल का दिया हुआ हो, पास्ट सिंपल का नेगेटिव दिया हुआ हो, पास्ट सिंपल का इंटरोगेटिव दिया हुआ हो एक्टिव वॉइस में, तो उनके पैसिव वॉइस किन से बनेंगे? वोज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से. अब इसमें बींग क्यों नहीं आया भाई? ये आईएनजी होगा, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा, तब आईएनजी बीइंग लगेगा ना. ये तो सिंपल है. क्या है? सिंपल है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको समझो. ओके, पहले फॉर्मूला उतारिए. हाँ, और फिर अपने शुरू करते हैं इनके क्या करने, सेंटेंस करने. आप भी यहीं से ज्वाइन हो जाइए एक बार. नोटबुक नहीं लाए? पढ़िए कोई एक्स्ट्रा, मतलब पेज वगैरह हो तो भी दे दो. मनीषा आप दे दो, नोटबुक ही दे दो फिर एक बार. ठीक है, पार्ट है वॉइस का, पैसिव वॉइस चल रही है, एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाने सीख रहे हैं. अभी तो एक्टिव से पैसिव सीख रहे हो, कुछ टाइम बाद क्या सीखना पड़ेगा? पैसिव से भी एक्टिव होने चाहिए. ठीक है, पांच क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या बनती है? कुछ ऐसे वाक्य भी मिलेंगे जो आपको पैसिव में दिए जाएंगे और उसके एक्टिव वॉइस पूछे जाएंगे. अपने सिर्फ एक ही डायरेक्शन में दौड़ते हैं, विपरीत डायरेक्शन में भी दौड़ना होता है कभी कभार, है ना, कभी कभार रिवर्स भी दौड़ना होता है. पंडित जी लिख लिए ये? ठीक है, कि अगर एक्टिव वॉइस के अंदर प्रेजेंट सिंपल हो, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव हो, या प्रेजेंट का सॉरी पास्ट का इंटरोगेटिव हो, ठीक है, तो पैसिव वॉइस बनेगा वोज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से. पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म. इरफान, ये वर्ब कौन सी है जिसकी थर्ड फॉर्म लगी हुई है? ये वाली वर्ब कौन सी है जिसकी थर्ड फॉर्म लगा रखी है? क्या, कैसे, किसकी थर्ड फॉर्म है ये? किसकी है ये थर्ड फॉर्म? किसकी बनी हुई है, बस ये बता दो. अरे ये मेन वर्ब की है. ये किसकी है? क्योंकि फॉर्म किसकी होती है? फॉर्म का अपने क्या बोलते हैं? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म. ये फॉर्म होता क्या है? फॉर्म
फॉर्म्स, फॉर्म्स का मीनिंग होता अवस्था, या बोल सकते स्थिति, यानी कि एक वर्ब अंग्रेजी में कितनी स्थिति में रह सकती है, इधर कितनी स्थितियों में रह सकती है, पांच स्थिति में रह सकती है, यानी कि एक वर्ब को आप पांच तरीके से यूज कर सकते हैं, बट ये फॉर्म किसकी होगी, ये मेन वर्ब की होगी। तो ये जो लिखी है ना, मेन वर्ब की थर्ड कंडीशन है, थर्ड अवस्था है, थर्ड फॉर्म है, ये हिंदी में बोले तो थर्ड स्थिति है ये। ओके, हाँ बस ये पूछ रहा था मैं, और मैं क्या पूछ रहा था यार, हटा दें, ठीक है, वाक्य लिखिए फिर। ये तो दिया मैंने सिक्स क्लास वाला, आई रोट अ लेटर, ठीक है, ये तो छठी क्लास वाला है भाई, इसको तो बनाना ही बनाना है, ठीक है। अब थोड़ा सा एट्थ क्लास पर चलते हैं, ही अब्यूज्ड मी, यस्टरडे I did it. I did not talk to her. She did not कॉल मी। ये सिर्फ सीखने के लिए हैं, पांच सेंटेंस मैंने लिखे हैं, आसान से हैं, पांचों होने ज़रूरी हैं, सब में ऑब्जेक्ट है, एक भी ऐसा नहीं है जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो। तीसरा बिल्कुल सही है, तीसरे में लगा हुआ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल है ये। शर्मा जी कॉपी नहीं करें, कॉपी करेंगे ना तो सीख नहीं पाएंगे, यानी कि अगले पीछे वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग देख देख के करेंगे ना, यहाँ पर मैंने ये लगाया तो मैं अब ये लगा दूँ, ऐसा नहीं सीख पाएंगे। उनको छोड़िए, इनमें मत्था मारिए कि इनके फॉर्मूलों को फॉलो कीजिए, पहले ऑब्जेक्ट उठाइए और आगे लिखिए, फिर उसके बाद आपको यूज करना है वोज या वर्ब में से एक, सिंगुलर है वो सब्जेक्ट तो वोज, अन्यथा वर्ब, फिर मेन वर्ब ढूंढनी है और उसके थर्ड फॉर्म को चिपकाना है, फिर बाई लिखना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, इतना सा काम है बस। फर्स्ट में तो किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, कर दिए इरफान है, करो 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 फटाफट करो, ओके। फर्स्ट सेंटेंस, आई रोट अ लेटर, मैंने एक लेटर लिखा, ही अब्यूज्ड मी यस्टरडे, उसने मुझे कल गाली दी। थर्ड है आई डिड इट, मैंने ये किया। फोर्थ है आई डिड नॉट टॉक टू हर, मैं उससे बात नहीं की, मैंने उससे बात नहीं की। नेक्स्ट है शी डिड नॉट कॉल मी, उसने मुझे नहीं बुलाया, ठीक है। ये थे आपके पांच सेंटेंस, अब आपको बनाने हैं इसके पैसिव वॉइस। चलिए फर्स्ट को उठाते हैं, फर्स्ट में देखो जिस भी सेंटेंस में क्या हो, ए और वर्ब के बाद, क्या बोला, वर्ब के बाद अगर आपको ए और एन मिलता है तो संभावना ही 100% है कि पीछे क्या मिलेगा, नाउन मिलेगा, और यही नाउन क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, यही नाउन क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, तो इसमें अ लेटर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, तो लिख लीजिए फिर अ लेटर,
अ है इसलिए सिंगुलर है, ए लगा हुआ इसलिए सिंगुलर लिखा हुआ है, वॉज वर्ब से सिंगुलर कौन वॉज, अ लेटर वॉज, रोड सेकेंड फॉर्म है, राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न, अ लेटर वॉज रिटर्न, बाय लगाना होता है इसमें, ठीक है। आई तो आता है सब्जेक्ट की जगह पर, किसकी जगह पर, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। अपने को वर्ब के बाद चाहिए और बाई के बाद हमेशा प्रोनाउन का कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है। तो यहाँ पर लगा दीजिए मी, तो बन जाएगा लेटर वॉज रिटन बाय मी, अगर ये जिसने बनाया वो बिल्कुल सही है, सही है। लास्ट में प्रॉब्लम हुई, इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना कि कॉपी मत कीजिए दूसरे सेंटेंस से इसको, ठीक है। यस्टरडे से शुरू किस किसने किया है, हाँ आपने किया है, आपने यस्टरडे से शुरू किया, आपने मी यस्टरडे से शुरू किया, वेरी गुड, क्या कॉम्पोजिशन है, हाँ मी से शुरू किया है, वेरी गुड। ज्योति शुरू किया था ये मी से किया है, मी से किया है, मी को क्या बनाया है, आई तो बनाया है ना मी को, क्या मी का मी रखा है, ये है ऑब्जेक्ट, क्या है, अगर इसको वाक्य के शुरू में लेके जा रहे हो तो आप इसको क्या बनाओगे, आप सब्जेक्ट बनाओगे, और मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है, ठीक है। तो आई से शुरू करना था इसको, पहली बात तो ये, यस्टरडे एक एडवर्ब है वो वहीं की वहीं रहेगी, ठीक है, उसको तो हिलाना ही नहीं है, इसको तो छेड़ना ही नहीं है। मी यस्टरडे क्या बनेगा, पहले ये देखो काट दिया, पर सुंदर पहले भी सुंदर नहीं लग रहा था, तुझे पढ़ने में अजीब नहीं लगा कि मैं क्या लिखे जा रहा हूँ, आई कोई बात नहीं है, आई के साथ वॉज आता है, ये वर्ब आई वॉज अब्यूज तो सेकंड फॉर्म है और इसी की यही क्या होती है थर्ड फॉर्म होती है, आई वॉज अब्यूज्ड बाय ही का क्या बना देंगे, हिम बना दे देंगे, यस्टरडे को वही रख दो, बस ये बन गया आपका पैसिव वॉइस, ठीक है। ये तो सबसे आसान है, इट लगाइए, डिड था तो क्या आ जाएगा, इट वॉज, डिड की थर्ड फॉर्म डन बाय मी, इट वॉज डन बाय मी, कितना आसान था ये सर, सही है, सही है, ठीक है। ये बताइए फिर, एक बात का ध्यान रखिए कि अगर एक्टिव वॉइस में नोट आया हुआ है तो पैसिव वॉइस में भी नोट आएगा, यानी कि अगर नेगेटिव है तो आप पैसिव वॉइस भी नेगेटिव बनाएंगे, इंटरोगेटिव है तो आप पैसिव वॉइस भी इंटरोगेटिव बनाएंगे, ठीक है। हटाना उठोना कुछ नहीं होता उसमें से। तो नेक्स्ट बनेगा, ये बनाया है आई डिड नॉट टॉक टू हर, बताइए कहाँ से शुरू करेंगे, शी से शुरू करेंगे, हर क्या अपने आप में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को शुरू में लगाएंगे तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, तो बनेगा शी, डिड नॉट का आ जाएगा वॉज नॉट, वॉज नॉट, ठीक है। टॉक को बनाया टॉक्ड, टी ए एल के ई डी, टॉक्ड बाय मी, या विद भी लगा सकते, टू मी भी लगा सकते, वापस बाइक की जगह अगर टू लगाते हो तो भी सी है, टू मी, शी वॉज नॉट टॉक्ड टू मी विद मी, ठीक है, बाय मी। लास्ट कैसे बनेगा, मी लिखा हुआ है, मी का क्या बना देंगे, आई बना देंगे, मी का बना दिया आई, वॉज नॉट क्या आएगा, कॉल्ड बाय हर। ये तो आसान थे, गलत हुए हैं कोई, कितने सही हुए, पांच में से तीन सही हो गए, इरफान कितने सही हुए, चार में से कितने सही हुए, सीधे बताओ ना कितने सही हुए, तीन सही हुए, हाँ सारे सही हैं। ज्योति कोई पॉसिबिलिटी बनी, अब्यूज्ड थर्ड फॉर्म में कंफ्यूज हो गए, शर्मा जी को ये कहा था सही हुआ, कौन से वाले की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है, संभावना है सबसे इसकी, इसकी कितने सही हैं, हाँ ठीक है। थोड़ी सी चीजें समझाने वाली हैं, वो समझा देता हूँ मैं पहले, देखिए कुछ जगह पर कंफ्यूज हो गए वो तो दिख ही रहा है, इसमें और इसमें फर्क है, इन दोनों के अंदर फर्क है ना,
नोट का फर्क है, क्या फर्क है? नोट, नोट का फर्क नहीं है। जब भी डिड नोट के साथ नोट लगा हुआ होगा तो ये अपने आप में क्या बनेगी, ये अपनी बनेगी हेल्पिंग वर्ब। क्या बनेगी? डिड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। अब इसके बाद एक मेन वर्ब जरूर आएगी, वो होगी फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। डिड अगर अकेला है तो ये अपने आप में क्या बनेगी, मेन वर्ब बनेगी। इसके बाद जो आएगा वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया था मैंने, आई डिड इट, ठीक है। आई हुआ सब्जेक्ट, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड, क्योंकि डू फर्स्ट फॉर्म होती है, डिड सेकंड फॉर्म होती है, और डन थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इट अपने आप में हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये है पास्ट सिंपल का पॉजिटिव सेंटेंस। क्या है? पास्ट सिंपल का पॉजिटिव सेंटेंस, ओके। अब इसी को नेगेटिव बना के दिखाना जरा, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, पास्ट सिंपल का क्या है, पॉजिटिव। अब इसको नेगेटिव बना के दिखाओ जरा, बनाओ फिर, कहाँ लगाओगे नॉट, लगाओ ना फिर, आई डिड नॉट, आई डिड नॉट इट, क्या ये सही है? ये तो सरासर क्या हो गया, गलत हो गया। अब आपने पता है क्या यूज किया है, आपने यूज किया सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये यूज किया है। वो तो पैसिव वॉइस बनेगा, अगर वोज में इसको कन्वर्ट कर दिया तो वो पैसिव वॉइस बन गया, ना कि पास्ट सिंपल का नेगेटिव बना। पास्ट सिंपल का नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आई डिड नॉट डू इट, ये करना पड़ेगा, ठीक है। आई डिड नॉट डू इट, इसकी कौन सी फॉर्म ले आओगे फिर, फर्स्ट फॉर्म ले आएंगे ना, इसकी फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। और डिड नॉट तो एक्स्ट्रा लगाए इसको नेगेटिव बनाने के लिए, अरे ये तो पड़ी हुई है, इसी को बदला, इसमें नया कौन आया है, नया तो डिड नॉट है, इसी डिड के साथ नॉट थोड़ी लगाया है, ये तो कौन सी फॉर्म है, मेन वर्ब लिखी हुई है, सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, आपने एक्स्ट्रा क्या लिखा है, आपने तो ये एक्स्ट्रा लिखा है, नहीं समझ में आया होगा, नहीं आया, आ गया, आसान तो है, इसमें क्या दिक्कत है। पास्ट सिंपल के पॉजिटिव को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, नेगेटिव में कर दिया, ठीक है। तो डिड नॉट लिखा हुआ हो और अकेला डिड हो तो दोनों में फर्क है, एक हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा मेन वर्ब है, ओके। उतारिए जरा इसको, डिड नॉट और डिड में एक बेसिक डिफरेंस है, वो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में बड़ा कंफ्यूज करते हैं। तो छोटे छोटे सेंटेंस दिए हैं, अगर ये दो चार लाइनों के होते तो कंफ्यूज है। उतार लिए, बनाइए क्या बनेगा क्या। She did not want to meet with them. Yesterday, I met with a strange man. तीनों को बनाइए, पैसे वॉइस बनाने, और क्या इनको क्या बनाओगे, डॉक्टर तो बनाने से रहे इनको, पैसिव वॉइस बना दो इनको, क्या है पैसिव में, ये वॉज वर्ब की सेकंड फॉर्म है,
ठीक है, हैं क्या, ऐसे क्यों चौंक रहे हो? पहला नहीं बनेगा, चलो ठीक है, देखते हैं, नहीं बनेगा छोड़ दो फिर, नंबर का नुकसान, नंबर का नुकसान तुम्हें होगा, मुझे तो क्या होगा। गांधी जी वॉज अ ग्रेट लीडर, बना दो ना फिर इसको, अ ग्रेट लीडर वॉज गांधी जी बाय गांधी जी, नहीं बनेगा, ठीक है छोड़ दीजिए फिर। सेकंड को बना दो, ये इजी है। सेकंड है, शी डिड नॉट वॉन्ट टू मीट विद देम, वह उनसे नहीं मिलना चाहती थी। ओके नेक्स्ट है, यस्टरडे आई मेट विद अ स्ट्रेंज मैन, कल मैं मिला एक अजीब या एक अजनबी इंसान से। ये दोनों इजी हैं, ठीक है, ऊपर वाले में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बन गए? पहले को छोड़ देना, पहला नहीं बनेगा, कोशिश भी मत करना, कर दी होगी कहीं, होने दो, किया पहले भी मेहनत। दूसरा नहीं बन रहा है, दूसरा तो आसान है, कोई प्रॉब्लम है? थर्ड में, थर्ड बना, ये भी सही नहीं लग रहा है, चलिए करते हैं, फर्स्ट को हटा दीजिए बिकॉज इसमें कोई कार्य हो ही नहीं रहा है, तो इसका पैसिव वॉइस बनना असंभव है, ये तो किसी इंसान के बारे में बताया गया, आपको आइडेंटिटी बताइए इसकी, ठीक है हटा दीजिए, जैसे कि मैं एक अध्यापक हूँ, इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा क्या? आई एम ए टीचर बन जाएगा, ए टीचर उठा लो, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, हाँ ऐसा कुछ नहीं बन पाएगा ना, हाँ इसको छोड़ दो, ठीक है। सेकेंड से शुरू करते हैं, सेकेंड का देखिए, यहाँ तक छोड़ दीजिए, ये जो पार्ट है ये होगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ओके। उसके बाद ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी गई है ना, इसको बोला जाता है कैसी वर्ब, इनफिनाइट वर्ब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फिनाइट और इनफिनाइट वर्ब होती है, दो टाइप की वर्ब होती है, एसएससी के अंदर काम देती है ये, फिनाइट और इनफिनाइट, ठीक है। इसी को बोला जाता है टू प्लस वर्ब, जिसको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं अपने, है ना, ये इसी को क्या बोला जाता है? फिनाइट वर्ब। बोल, ये एक फिनाइट वर्ब लगा दी इसने, फिर एक प्रपोजिशन का यूज किया और फिर एक ऑब्जेक्ट का यूज किया है, फिर क्या किया, एक और ऑब्जेक्ट यहां से उठाइए, फिर दे वॉज नॉट वॉन्ट, सॉरी वर, दे वर नॉट वॉन्टेड टू मीट, इसको सेम टू सेम रखेंगे क्योंकि टू के बाद तो वर्ब की कौन सी फॉर्म फर्स्ट ही आती है, हाँ तो दे वर नॉट वॉन्टेड टू मीट विद हर कर दो, चाहे बाई हर कर दो, ठीक है ना, या तो विद है, इसी के बाद क्या लगा दो, हर लगा दो, या बाई हर कर दो, ओके। विद हर करेंगे तो थोड़ा आसान रहेगा और अच्छा भी लगेगा, बाई हर करेंगे थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो जाएगा इसका, तो विद को ही यूज कर लें यहाँ पे, ओके।
क्योंकि प्रेपोजिशन जहाँ पर लगा हुआ है एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में भी उसी को वहीं पर ही यूज़ करेंगे। बनाया था किसी ने ऐसा, कोशिश किया ज़रा थोड़ी बहुत की थी, ठीक है। तो ये गलत कहाँ से लग रहा है? दे वर नॉट वॉन्टेड टू मीट विद हर। वॉन्टेड, वॉन्टेड तो सही है, वेंट और वॉन्ट दो होते हैं, वेंट और वॉन्ट। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है चाहना, सेकेंड फॉर्म वॉन्टेड, थर्ड फॉर्म भी वॉन्टेड। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकेंड है, ये गो, ये गोन हो जाएगी। तो इसमें एक में ई आता है, एक में ई आता है। हाँ मनाइए, यहाँ से शुरू कीजिए, अ स्ट्रेंज मैन से शुरू कीजिए, अ स्ट्रेंज मैन वॉज मेट, ठीक है, विद मी यस्टरडी। पहले लगा दो चाहे बाद में लगा दो, ये जहां पर है वहीं पर ही उचित है ये, ठीक है ना। तो यस्टरडे उसको शुरू में भी लिख सकते हैं, यस्टरडे अ स्ट्रेंज मैन वॉज मेट विद मी। ये आपका पैसिव वॉइस तैयार है, बनाया था ऐसा ही, ठीक है। यस्टरडी वगैरह कहाँ लेके गए? यहीं ले गए, उठा गए, बाहर नहीं लगा इसका, यहीं पढ़ा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जहाँ लगे हुए हैं, ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती है ना, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, आर्टिकल, ये जहाँ पर लगे हुए हैं ना उन्हीं के साथ इनको रखा करो ज़्यादातर, ओके। यहाँ तक समझ में आई या नहीं आई? आए, ठीक है भाई। चलिए इरफान बताना, कौन कौन से टेंस के पैसिव वॉइस बनने असंभव है? हाँ, जिनके पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, एक तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के नहीं बनते, वेरी गुड। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला बोलो। विल शैल प्लस बीइंग, ओके, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वेरी गुड। और बोल दो, दो चार शब्द और जोड़ दो। हाँ ज्योति, कुछ पता है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस रिमूव हो गए सारे के सारे, ठीक है। हाँ तो मेहनत क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ वेरी गुड, तो बीइंग आईएनजी है क्या? बींग के साथ आईएनजी जोड़ू मैं? अच्छा ऐसा बोला था क्या? हाँ सॉरी, लिखने में प्रॉब्लम हो गई। ये तो फिर और खतरनाक बना दिया पहले से ही, ये तो खतरनाक बना दिए। क्या होता भाई? विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है, ये होता है। इसके पैसिव वॉइस कभी नहीं बनते हैं, इसी पार्ट को क्या कहा जाता है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस कहा जाता है, ठीक है। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कितने होते हैं? तीन ही होते हैं। प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है, लास्ट वाला फोर्थ नंबर वाला जिसमें सिंस और फोर लगते हैं, थोड़ा याद होगा ना, जिसमें सिंस और फोर लगते हैं, उन तीनों के भी कभी पैसिव वॉइस नहीं बनते। तो ग्रामर के अंदर ऐसे चार टेंस हैं जिनके एक्टिव से पैसिव नहीं बनते हैं, ओके। ये मैंने तीसरी बार बता दिया है, देखते हैं कितनी बार और बताने की जरूरत पड़ेगी। अभी हर दिन नया फॉर्मूला लाता है तो बना के हर दिन विल शैल तक पहुंच गया था, शुरुआत ही जहाँ से की तो तक क्या पहुंच गया। चलो ठीक है भाई, चलो लास्ट कर लीजिए आज का, कि अगर एक्टिव वॉइस में आपको मिलता है वोज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। देखो एलडीसी के अंदर 75 क्वेश्चंस आएंगे, अच्छे से करके जाओगे ना 65 आराम से प्लस हो जाएंगे, ठीक है, 65 आराम से प्लस हो जाएंगे। क्या बना? वोज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी। अक्सर ऐसा फॉर्मूला किसका देखने को मिलता है? ओनली इरफान से शुरू करेंगे, ये किसका फॉर्मूला है? हाँ जी अपने बताओ, कष्ट करो बताने का।
किसका? पास्ट कॉन्टिन्यूस का है, वर्ब्स वर यूज करेंगे प्लस आईएनजी उसके, खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है इसको। सब पढ़ा हुआ है, पता नहीं पढ़ा है, बहुत टाइम पहले पढ़ा हुआ है बच्चे उसके, बना के पढ़ा था है हैं, जैसे आपने बताया। अच्छा, वर्ब्स वर चेंज इनटू वर्ब्स वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। शाबाश। जिस भी एक्टिव वॉइस में आईएनजी लगा हुआ है उसका पैसिव वॉइस बनाते समय क्या कर देंगे? बीइंग के बाद क्या लगा देंगे? थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, या कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें बाय लिखा हुआ और उससे पहले क्या लिखी गई है, तो वो सेंटेंस किसका होता है? पैसिव वॉइस का होता है। ठीक है, बहुत सारी पहचान है करनी सिखाएंगे, पहले फॉर्मूले बनाना सीख लो। ठीक है, ये ज़रूरी है क्योंकि एलडीसी में क्या पूछा जाएगा, आपके फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे। क्वेश्चन दे दिया, उसके अल्टरनेटिव पूछे जाएंगे, ऑप्शन दे दिए जाएंगे चार कि बताइए इनमें से कौन सा ये। ठीक है, या पूछेगा टाइप्स ऑफ टेंस, किस टाइप का टेंस है ये, तो आपको टेंस के टाइप याद करने पड़ेंगे। टोटल कितने होते हैं? 48 टाइप्स बनते हैं टेंस के, जिसमें से आप 12 कर लोगे ना, शुरुआत वाला अफर्मेटिव अफर्मेटिव कर लोगे ना तो उनसे बनते जाएंगे। सिर्फ अफर्मेटिव तो याद होनी चाहिए। हाँ ठीक है, ये उतारिए कि एक्टिव वॉइस में वॉज वर्ब प्लस आईएनजी है, तो पैसिव वॉइस में वॉज वर्ब बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगा दिया जाएगा। ठीक है, चलो बनाइए। आज के लास्ट दो क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। हरी और वॉज राइटिंग सम स्टोरी बुक्स, कुछ कहानियों की किताब लिख रहा है हरी, लिख रहा था सॉरी। नेक्स्ट है रमन वॉज रमन वॉज कुकिंग इंडियन फूड, रमन वॉज कुकिंग इंडियन फूड। ये दोनों भी गलत हुए ना, तो मतलब ये सोच लेना कि बहुत ही खस्ता हालत में चल रही हैं, बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है अभी। ठीक है, खुद को उन लोगों के करीब लाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो उनसे आगे निकलने के लिए तो देख लो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर ये दोनों ही गलत होते हैं तो, क्योंकि ये इनके कोई बेस नहीं है, ये साधारण सेंटेंस है, ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं देखने को मिलते, ये सिर्फ एग्ज़ाम्पल में ही देखने को मिलते हैं। बना दिए भाई? ठीक है, दो तीन काम कर रहे थे। पहला काम है ऑब्जेक्ट को ढूंढना, फाइंड करना। ठीक है, ऑब्जेक्ट को क्या करना? फाइंड करना। फिर ऑब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट कर देना? सब्जेक्ट में कन्वर्ट। ऑब्जेक्ट दो तरीके के मिलेंगे, या तो होगा नाउन या होगा प्रोनाउन। नाउन है तो उसी को सेम टू सेम लिख देंगे, जैसे राम हरी गीता सीता कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसी को क्या बना देंगे? सब्जेक्ट। तो वो नाम सेम ले आएंगे, यानी कि नाउन तो वो का सेम आ जाएगा, बट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को आपको किस में चेंज करना होगा? सब्जेक्टिव में करना होगा, ये ध्यान रखना है। एक तो काम हुआ ये, उसके बाद दूसरा आपको काम करना है, टेंस नहीं बदलना है बट फॉर्मूला आना जरूरी है कि कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे किसका? टेंस के फॉर्मूला का। दो काम हुए, तीसरा काम ये करना है कि सब्जेक्ट है वो भी आपको दो मिलेंगे, या तो होगा नाउन या होगा प्रोनाउन। ये हुआ तो इसको ऑब्जेक्ट बना ही देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, नाम तो ना वापस आएगा। प्रोनाउन यहाँ पे सब्जेक्टिव होगा, आपको कौन सा बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे, प्रेपोजिशन को अपने स्थान पे ही रखिए, उसको हटाइए मत।
ठीक है, एडवर्ब लगी हुई है पहले या बाद में, यस्टरडे टुमारो टुडे है ना, ऐसा कुछ वर्ड लिखा हुआ है तो उसको भी उसी प्लेस पर ही यूज़ कर लीजिए जहाँ पर ये है, ठीक है। और अभी कल मैंने थोड़ा सा बताया था आपको कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हाइड किया जाता है, हाइड यानी कि छुपा दिया जाता है, ऐसे वर्ड्स जिनसे एक किसी इंसान की होने की आइडेंटिटी ना मिले, जैसे कि पीपल लिखा होता है, पीपल को बहुत बार हटा दिया जाता है, यानी कि पीपल सभी लोगों की बात की जा रही है, कोई एक स्पेशल इंसान की बात नहीं की जा रही है, ठीक है, इसलिए इसको हाइड किया जाता है। या 12 टाइप के इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं, अनिश्चित सर्वनाम, ऐसे प्रोनाउन जिनके साथ क्या लगा होता है, बड़ी बॉडी या बड़ी बड़ी होता है, ठीक है। चार ये होते हैं, वन लगे हुए चार होते हैं और थिंग लगे हुए कितने होते हैं, चार होते हैं, टोटल 12 इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं, इनको भी हाइड कर दिया जाता है काफ़ी बार, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिनको आप एक एक पॉइंट करके याद करेंगे तो ये डेफिनेटली सही होने लगेंगे, ठीक है। ट्रैवल कहाँ तक करना होता है, वर्ब तक करना होता है, वर्ब पता चलनी चाहिए कि सेंटेंस में यूज़ क्या क्या हुए हैं, सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ है और मेन वर्ब का यूज़ हुआ है, यहाँ तक ठहर गए। इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलने की संभावनाएं बनती हैं, सम वर्ड यूज़ हुआ है, सम क्या है अपने आप में, डिटर्मिनर, क्या है डिटर्मिनर, भी हमेशा किसके लिए यूज़ होते हैं, नाउन के लिए यूज़ होते हैं, डिटर्मिनर भी आ जाएं तो भी कहेंगे कि आगे नाउन पक्का है और नाउन होने की वजह से वो ऑब्जेक्ट भी पक्का लेके आएगा, ठीक है। तो पूरे को उठा लीजिए फिर, सम स्टोरी बुक्स, क्या लिखेंगे, सम स्टोरी बुक्स, स्टोरी बुक्स, वोज नहीं वर, बुक्स प्लूरल हैं, कहाँ है अभी भी लिखा हुआ पड़ा है, झूठा कहीं का। सम स्टोरी बुक्स वर क्या करेंगे, बींग, क्या लगाएंगे, बींग, राइट के साथ आई एन जी लगाया था, किसके साथ लगाया था, राइट के साथ, तो थर्ड फॉर्म किसकी आएगी, राइट की आएगी, कौन सी आ जाएगी, रिटर्न, रिटर्न बाय हरी, उम्मीद है कि लगभग सही है, ठीक है। हाँ, सेम एज इट इज, इसमें भी ट्रैवल करना पड़ेगा, कहाँ तक, कुकिंग तक किया। उसके बाद लिखा इंडियन फूड, भारतीय खाना, इंडियन अपने आप में क्या है, एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव आया तो भी मानेंगे नाउन है, एडजेक्टिव आए क्योंकि एडजेक्टिव भी हमेशा नाउन से पहले प्रयोग होकर उसको मॉडिफाई करते हैं, यानी कि क्लियर करते हैं उसको, खाना कैसा है, भारतीय है, ठीक है। तो पूरे सब ऑब्जेक्ट को उठाइए यहाँ से, इंडियन फूड, फूड, अकेला इंडियन उठाया क्या किसी ने, ठीक है, इंडियन फूड वॉज बींग कुक्ड बाय रमन, ठीक है, बस इतने से हैं। और बाकी ना नरेशन और वॉइस दोनों बेस ऑन द प्रैक्टिस, जितने प्रैक्टिस करोगे प्रॉब्लम्स आएंगे, प्रॉब्लम का पीछे से सोल्यूशन देखोगे या मुझसे पूछोगे तो वो उतने ही क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको ऑब्जेक्ट मिलेंगे, थोड़ा सा सेंसिबल होना पड़ेगा आपको कि अगर वर्ब के बाद आर्टिकल आ रहे हैं, वर्ब के बाद डिटर्मिनर आ रहे हैं, वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ रहे हैं, इनके बाद नाउन आने की प्रबल संभावनाएँ होती हैं, ठीक है। और नाउन ही अपने आप में क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, वो भी मैंने पार्ट आपको समझा दिया ऑलरेडी पहले से, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों सही है, ठीक है, ठीक है सर। तो आज के लिए इतना ही है, अभी तक वॉइस की एक या दो क्लासे और बकाया है, ठीक है, क्योंकि कुछ पड़े हुए अभी तो मोडाल के भी वॉइस करने हैं, ठीक है। तो वो आने वाली आगामी दो क्लासों में ख़त्म करेंगे अपने।